हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाशर बुड़ी हेयर जिमन। मैं हूँ सीमा। आप लोग को आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा कम इंग्रेडिएंट में एक बहुत ही मैजिकल सा एक टोनर जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। टोनर मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि वाटरी बेस कोई भी चीज़ आपके बालों में बहुत जल्दी पेनिट्रेट होती है। वो जितनी गुड क्वालिटी की होगी उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पहले इस टोनर के बनाने के पहले मैं बता दूँ कि हमारे चैनल पर चल रहा है 1 ईयर का हेयर ग्रोथ चैलेंज। आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब मैंने स्टार्ट किया है स्किन केयर ट्रीटमेंट, जहाँ पर मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग स्किन केयर ट्रीटमेंट लेकर आ रही हूँ। बहुत ही छोटी वीडियोज़ में आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए, ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज लेकर आ रही हूं मैं। आप लोग उसको डेली बेसिस में फॉलो करें, आप लोग देखेंगे रिजल्ट्स बहुत अच्छे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए। दूसरा, सीमा ब्लॉग को जरूर से जरूर वॉच किया करें, जहां पर मैं डेली बेसिस में आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में फाइनली मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों के लिए एक थिकनेस के ऊपर, री हेयर ग्रोथ के लिए, थिकनेस के लिए आपके बालों में बहुत ही जल्दी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सा हेयर टोनर जो कि बहुत इजी है और कम इंग्रेडिएंट में बनने वाला है। तो कैसे बनाना है वो देख लेते हैं, इसके बाद में मिलती हूँ। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पर इस टोनर को बनाने के लिए हमें चाहिए आपका 1 ग्लास के करीब पानी, क्योंकि ये जो टोनर मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा दिन तक इसकी लाइफ नहीं होती है, बट एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ के लिए आप इस टोनर को ट्राई कर सकते हैं बिकॉज इसके रिजल्ट जो हैं बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। हेयर फॉल की समस्या है वो भी रिड्यूज़ होगी, न्यू बेबी हेयर ग्रोथ आएगी। अब आप लोग को मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि आप लोग कहते हो कि न्यू बेबी हेयर ग्रोथ कब आएगी, न्यू बेबी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, उसको होने के लिए टाइम लगता है, एकदम से नहीं होती कोई भी चीज़। जब आपका छोटा सा बेबी होता है, जो भी लोग प्रेग्नेंट हैं, जब बेबी होता है, तो जब बेबी होता है तो वो पूरा 9 मंथ का टाइम लेता है ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आ जाता है। तो इस तरीके से बालों की ग्रोथ भी होती है। अब हमने यहाँ पर डाल दिया है 10 से 12 काली मिर्च, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक पेपर। नेक्स्ट मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के करीब आपका कलौंजी, जिसको हम बोलते हैं अनियन सीड्स। ठीक है, अनियन सीड्स आपको डालने हैं 1 टेबल स्पून के करीब। वो चीज़ है जो अचार वगैरह में पड़ती हैं, या फिर हम जब आम का गलका बनाते हैं उसके लिए पड़ती है, खट्टा मीठा हम बनाते हैं उसके लिए पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो मैंने आप लोग को सही से अच्छी तरीके से नाम बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा अदरक, यानी कि जिंजर। जिंजर में एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी स्कैल्प को क्लीन करती है, रिग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को डाल करके 8 से 9 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। बॉईल इतना करना है कि आपका ये आधा ग्लास पानी रह जाए। ठीक है, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं रीग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग वे में, तो आपको इस तरीके से करना है। इसमें आपको लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 30 ड्रॉप्स ज़रूर से ज़रूर ऐड करनी है, एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपको कभी भी दिक्कत होती है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल से, चक्कर आते हैं, सर घूमता है, तो आप उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 30 बूंदें ही डालें, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद से इसको 8 से 9 मिनट के लिए आपको पका लेना है। पकाने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, इसको आप स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। उसके बाद से जो आपके ये इंग्रेडिएंट हैं, इसका आप चाहें तो एक हेयर पैक बना सकते हैं। आप इसको पीस लें, पीसने के बाद इसमें 3 चम्मच आंवला पाउडर डाल दें, 2 चम्मच ब्राह्मी पाउडर डाल दें। ठीक है, और बस इसको आप यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच दही के साथ में, क्योंकि हमने इसमें जो भी चीज़ें यूज़ करी हैं वो सारी हीटिंग प्रॉपर्टीज़ वाली हैं, तो दही बैलेंस करेगा। तो आप लोग इस पैक और इस टोनर को यूज़ कीजिए, मेरे साथ में फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठंडा होने पर एसेंशियल ऑयल। गाइस, देखा आपने, हमारा जो हेयर टोनर है बनकर रेडी है। इस टोनर को आप बना करके सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन के लिए ही सेव कर सकते हैं। स्मेल आती है तो उसको आपको फेंक देना है, नया बनाना है आपको। इस टोनर को जब आप बनाएंगे, जब आप इसको यूज करेंगे, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और देखो, कहने से नहीं होता है कि दीदी आप एक नया टोनर बता दो, दीदी आप एक नया टोनर बता दीजिए जिससे बाल बहुत घने हो जाए, करने से होता है। ठीक है, जब आप अपना कर्म करते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अपना कर्म ही नहीं करते हो, दिन भर सोते ही रहते हो, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसलिए करने पे विश्वास कीजिए, रिजल्ट्स आपके पास खुद आएगा चल करके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो 1 लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप चाहें तो हमारे कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिनके रिजल्ट्स बहुत औसम है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।